हाय दोस्तों, आई एम वैभव शर्मा, वेलकम बैक अगेन। ये वीडियो एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है दूसरे वीडियो का। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कोरोना के बाद जो वर्ल्ड है वो कैसा होगा और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होंगी, क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, और क्या क्या चीजें, क्या क्या इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी और उसमें आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज की डेट में चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका था वर्ल्ड वाइड। लगभग कंप्यूटर्स जितने भी बनते हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने भी सेल होते हैं, उनका 90% प्रोडक्शन चाइना में होता है। मोबाइल फोन जितने भी पूरे वर्ल्ड में सेल होते हैं, उसका 70% प्रोडक्शन चाइना में होता है। टॉयज जितने भी पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम होते हैं, उसका करीब 80% चाइना में प्रोडक्शन होता है टॉयज का। एसी जितने बनते हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने सेल होते हैं, उसका 70% प्रोडक्शन चाइना में होता है। ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं। तो चाइना इतना बड़ा हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है आज के डेट में, और इसीलिए उसने इतना ग्रो किया है। बट ये सब अपॉर्चुनिटीज, ये सब जो अभी माहौल बना है कोरोना की वजह से, पूरा वर्ल्ड एक तरह से एक नेगेटिव हो गया है चाइना के लिए। सबको ऐसा फील आया है कि भाई ये चाइना की वजह से ये सब महामारी फैली है और चाइना ने ये सब शायद डेलिबरेटली किया है या ये सब चाइना की वजह से हुआ है। तो चाइना का थोड़ा एक नेगेटिव माहौल बना है ओवरऑल, और बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि चाइना पे अब बहुत सारी सैंक्शंस भी लग सकती हैं ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं सब इन सब बातों की बजाय मैं उस एंगल से सोचता हूँ कि इंडिया कैसे चाइना को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर इंडिया चाइना को सब्स्टिट्यूट कर सकता है तो इंडिया के पास क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि एक बहुत ही एग्रेसिव गवर्नमेंट लेड बाय बहुत ही एग्रेसिव पीएम, ये इंडिया का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसा प्रधानमंत्री जो कोई मौका छोड़ता नहीं है, और वो चाइना से मिले इस मौके को छोड़ने नहीं वाला है कि बहुत सारी चीजें जो चाइना में बनती है वो इंडिया में बन सकती है, ऑलरेडी बन रही है। ऑटो का इंडिया एक बहुत बड़ा हब बन गया है ऑलरेडी। जितनी गाड़ियां, जितने ऑटोमोबाइल इंडिया में बनते हैं, उतना अभी वर्ल्ड के किसी कंट्री में नहीं बनते चाइना को छोड़ के। दूसरा सबसे बड़ा जो हब है इंडिया आज के डेट में, वो मोबाइल फोन का है। मोबाइल फोन इंडिया में जो बन रहे हैं वो लगभग इंडिया टॉप के थर्ड या फोर्थ नंबर पे आ चुका है। तो इंडिया ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चालू हो गया है, लेकिन अभी टाइम आ गया है रिप्लेस करने का। उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अग्रेसिव गवर्नमेंट है, बहुत ही अग्रेसिव पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, और उन्होंने जो स्कीम निकाली है मेक इन इंडिया, वो बहुत ही सपोर्टिव स्कीम है। उसमें बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं उन कंपनीज को जो बाहर से आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उनसे लोकल काफ़ी सारा डेवलपमेंट भी होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। लोकल जो छोटी मोटी कंपनीज है जो उनको सपोर्टिव आइटम्स बना के देती हैं, उनका ग्रोथ होता है, तो वो पूरी इंडस्ट्री डेवलप होती है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ की लेबर कॉस्ट बहुत कम है। चाइना से लगभग 1/3 लेबर कॉस्ट इंडिया की है, 1/3, ऐसे रिसेंटली लेबर सर्वे में भी बताया गया है। तो ये सारे बेनिफिट, ये सारे चीजें फेवर में है इंडिया के, कि इंडिया इन सबको बहुत अच्छे से एनकैश कर सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है। और इंडिया ने जिस तरह से पूरा लीडरशिप दिखाया है चाइना को, कोरोना को फाइट करते में भी, उससे भी पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है कि कैसे इंडिया हमारे लिए भी कुछ सपोर्ट बन सकता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर ऑल द एक्टिविटीज। तो दोस्तों, ये तो हुई एक मैक्रो लेवल की बात, कंट्री के लेवल से, इंडिया के लेवल से, इंटरनेशनल लेवल से। एक थोड़ा माइक्रो में जाता हूं, आपके एंगल से क्या है, आपके एंगल से क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आने वाले टाइम में, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो ग्रो करेंगी, कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन सी सर्विसेज हैं जो ग्रो करेंगे आने वाले टाइम में, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आने वाला टाइम पूरा चेंज होगा, पूरा डिफरेंट होगा। कोरोना के बाद बहुत सारे कंट्रीज अभी जिनका पूरा कामकाज रुक गया है, उनको टाइम लगेगा खड़ा होने में, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगेगा, तब जाके वो सब कंट्रीज वापस ट्रैक पे आएंगे। उसके बाद में पूरे वर्ल्ड की हैबिट चेंज हो चुकी होगी, पूरे वर्ल्ड का कल्चर चेंज हो चुका होगा। हैबिट कल्चर कैसा होगा, जो जापान का है अभी। जापान में शुरू से एक आदत है कि वहां पे लोग मास्क लगा के रखते हैं, वहां पे मास्क लगाने की आदत है, ग्लव्स पहनने की आदत है। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि वहां पे कोरोना बहुत स्लोली स्लोली डेवलप हुआ, बहुत धीरे धीरे वहां पे स्प्रेड हुआ,
और उसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा इशू वहां पे जापान को फेस नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे कल्चर ही है। अभी ये कल्चर धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज में फैलने वाला है, इवन इंडिया जैसे कंट्रीज में भी ये कल्चर काफी हद तक जाएगा। उससे क्या होगा, कौन कौन सी चीजें डिमांड में रहेंगी, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। सबसे ज्यादा डिमांड में रहेगी हाइजीनिक प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्रीज, जिसमें हैंड वॉश, जिसमें सैनिटाइजर्स, जिसमें हैंड ग्लोव्स, मास्क, और पैरों में पहनने वाले जो ग्लोव्स होते हैं वो शूज के ऊपर पहनने वाले शू ग्लोव्स उनको बोलते हैं, शू कैप होती है, एक ऐसी हेयर कैप होती है शेर पे पहनने वाली, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो पर्सनल हाइजीन वाले प्रोडक्ट है वो बहुत यूज में आने वाले हैं। इन सब का प्रोडक्शन बहुत डिमांड में आने वाला है। अभी तो सैनिटाइजर मार्केट में मिल नहीं रहा है, अभी मास्क मार्केट में मिल नहीं रहे हैं। 2 रुपए का मास्क, 10 रुपए का मास्क मिलता था, वो अभी 150 रुपए का मिल रहा है। बट आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री खत्म नहीं होने वाली है। आप सोचो कि कोरोना खत्म हो जाएगा तो ये सब चीजें वापस पहले जैसे हो जाएंगी, नहीं, ये दोस्तों हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो ये एक इंडस्ट्री डेवलप होने वाली है और ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए, मजे की बात है कि सारे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, सारा प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो बहुत इजीली चालू हो सकता है। बहुत छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 50,000-1,00,000 की मशीन्स आती हैं छोटी छोटी, उनसे मास्क बना सकते हो, शू कैप बना सकते हो, हेयर कैप बना सकते हो, उससे आप सैनिटाइजर बना सकते हो, उससे आप हैंड वॉश बना सकते हो, उसके पाउडर्स बना सकते हो, मिक्सिंग करके उनको पैकिंग कर सकते हो। तो पाउडर फॉर्म में भी ये बिकने वाला है अभी, तो उस पर आप घर पे लेके आओ पाउडर, उसका पाउच आपने खोला, एक पानी में, एक मग्गे में पानी में मिलाया और आपका सैनिटाइजर तैयार, आपका हैंड वॉश तैयार, उसको बोतल में भर लेने का। तो ऐसे ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट आने चालू हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी इंडस्ट्रीज है उसमें एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, सैनिटाइजिंग इंडस्ट्री। जैसे आपने देखा कि सब जगह पे सैनिटाइजिंग हो रहा है, बिल्डिंग्स का, कार्स का, और एक एक गली का भी सैनिटाइजिंग हो रहा है, एक एक बस स्टॉप का, रेलवे स्टेशन का हो रहा है। अभी तक ये सब काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कर रहे हैं, उनके लेबरर्स कर रहे हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री अभी नहीं है, बट अभी ये सब इंडस्ट्री डेवलप होनी चालू हो जाएगी। अभी तक टैंक क्लीनिंग वाली एक छोटी सी इंडस्ट्री थी, बट ऐसी एक प्रॉपर इंडस्ट्री आ जाएगी पिक्चर में जो सैनिटाइजिंग, क्लीनिंग, हाइजीनिक, हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, ये सब चीजें करना चालू करेगी। तो ये जो इंडस्ट्रीज आएंगी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उनको बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए होंगे हाइजीन के लिए, बहुत सारे केमिकल्स चाहिए होंगे, वो सारे केमिकल्स की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, ऐसे लोग जो सैनिटाइजिंग करना जानते हैं, जो क्लीनिंग करना जानते हैं, वो इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगी, जो इंडस्ट्री इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, छोटे से छोटी कंपनीज भी कराएगी अभी सैनिटाइजिंग, तो वो सब चीज़ें भी चालू हो जाएंगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने निकल के आने वाली है। उसके बाद ई कॉमर्स बहुत सारा डेवलप हो जाएगा। धीरे धीरे लोगों में आदत पड़ेगी कि यार हर चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे लॉकडाउन हुआ, सब लोगों ने घर पे बैठा देखा कि काम चल रहा है, घर पे बैठ के सारे काम हो ही रहे हैं, तो वो आदत सब लोगों को पड़ने वाली है। धीरे धीरे करके लोगों को लगेगा कि नहीं, घर से ही सारा कुछ शॉपिंग करना है। तो ई कॉमर्स ज़्यादा बढ़ेगा, लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे, और ई कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज भी क्या आएंगी निकल के, कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत कम कॉस्ट पे मिलने चालू हो जाएंगे। उसकी जो पीछे से मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत कम प्राइस पे मिलनी चालू हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलने चालू हो जाएंगे। तो ई कॉमर्स आप अपने बिजनेस के, अपने प्रोडक्ट का ई कॉमर्स के थ्रू भी सेलिंग करना चालू कर सकते हो, क्योंकि ये डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। उसके बाद क्लाउड किचन्स। क्लाउड किचन क्या होता है कि घर में एक छोटे से रूम में या घर की किचन में ही एक्स्ट्रा खाना बनता है, उसमें टिफिन सर्विस चालू हो सकती है, या उसमें स्विगी जोमैटो के थ्रू आप होम डिलीवरी चालू कर सकते हो। अभी लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना कम पसंद करेंगे। अभी कल्चर चालू हो जाएगा कि यार कुछ मंगाना है, पिज्ज़ा वगैरह, तो घर पे मंगाओ, घर पे बैठ के खाएंगे अपने प्रॉपर, तो वो सब चालू हो जाएगा। तो क्लाउड किचन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है। जो घर से चीज़ें बनती हैं और बाहर डिलीवर होती है, होम डिलीवरी वाली या टेक अवे वाले जितने भी रेस्टोरेंट है, वो सब तभी सर्विस ज़्यादा बढ़ने वाली है अभी, तो वो एक अपॉर्चुनिटीज निकल के आने वाली है। तो आप अपना क्लाउड किचन जैसा भी कुछ प्लान कर सकते हो। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफ़ी सारा अभी डेवलप हो जाएगा। लोगों ने अभी तक वर्क फ्रॉम होम किया ही नहीं था, तो लोगों को आइडिया नहीं है कि घर से भी बैठ के काम हो सकता है। लेकिन घर से बैठ के भी काम हो सकता है, और अच्छा काम हो सकता है, अगर वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो, सिस्टमेटिक हो। तो दोस्तों वर्क फ्रॉम होम मॉडल में भी काम होना चालू हो जाएगा।
अभी तक ऐसा कल्चर नहीं था, वो कल्चर पूरे वर्ल्ड में बनना चालू हो जाएगा। अभी तक ये कल्चर खाली गूगल में था, फेसबुक में था, अभी हर जगह पे चालू हो जाएगा। इवन हमारी कंपनी ने भी प्लानिंग की, आज हमारी कंपनी में करीब 100 लोग काम करते हैं, अभी सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सब घर से काम कर रहे हैं। और हमने भी जो प्लानिंग किया है कि हम वही प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे से वर्क फ्रॉम होम में कैसे काम करवाना है सबको। लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमारा वर्क फ्रॉम होम चालू रहेगा, उसके बाद भी हम लोग जो एक्सपेंशन करेंगे उसमें भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे हम लोग चालू करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी बेनिफिट, सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आने वाले हैं। इसके लिए तैयारी आपको आज करनी है। आपका माइंड ठीक रखिए, अपने प्लानिंग ठीक रखिए, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, टाइम एक बार जाएगा वापस नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट रहेगा, और आने वाले टाइम में चाहे वो मंदी आए, चाहे वो प्रॉब्लम्स आए, आप हमेशा आगे रहोगे। आप उन टॉप 10% लोगों में रहोगे जिनका कुछ कोई मंदी बिगाड़ने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मैं आपके लिए रेगुलर कुछ ना कुछ चीजें लेके आता रहता हूँ, और आपके लिए कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।